दोस्तों, आज हम सिखाएंगे सिंपल सूट की कटिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको नाप बताऊंगी। इसका तीरा है 14 इंच, वेस्ट है 34, कमर है 30, हिप है 36 और कमीज की लेंथ यानी लंबाई है 32 इंच, बाजू की लेंथ 14 और उसकी गोलाई 11 और शोल्डर हमारे 14 इंच। बैक गला हमारा 6 इंच आएगा, फ्रंट गला हमारा 7 इंच। सबसे पहले मैं आपको लेंथ हमारी 32 इंच, 3 इंच प्लस करके 35 होता है, 35 इंच पे निशान लगा दिया है। शोल्डर लेंगे, शोल्डर हमारा 14 इंच है लेकिन मैं इसका हाफ नहीं लूँगी, हाफ से कम यानी 6 इंच लूँगी क्योंकि हमारा बैक गला है 6 इंच, तो हाफ इसका 7 होता है, उस पर 1 इंच हम माइनस कर देंगे, 6 लेंगे ताकि कंधे लटके नहीं। फिर उसके बाद हम आर्म होल लेंगे, आर्म होल में मैं 6.5 पे निशान लगाऊंगी, 6.5 पे निशान लगा दिया। फिर उसके बाद हम लेंगे, निशान लगा लेंगे कमर 14.5 में, हिप्स हमारे 20-21 में आते हैं, जो नीचे पहनना चाहें 22 में भी पहनते हैं, नाप के अनुसार आप लगभग 21 इंच में लगा दीजिए। यहाँ से भी हम 14.5, 21 इंच इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद हम 2.5 इंच यहाँ पे गले की गोलाई के लिए निशान लगा देंगे, 2.5 इंच यहाँ पर। फिर इसके 0.5 इंच यहाँ से डाउन करेंगे, इस तरह 0.5 इंच आर्म होल्ड से इधर को हम डाउन करेंगे। फिर चेस्ट हमारी 34 इंच है, जो हम इंच टेप से ऐसे नाप ले रहे थे, चेस्ट 34 इंच है, उसका हम चौथा भाग निकालेंगे। चौथा भाग होता है 8.5, 8.5 होता है उसका चौथा भाग, 8.5 पे नहीं हम 9 पर निशान लगाएंगे क्योंकि हमारी जो एकदम फिटिंग की नाप से सूट परफेक्ट नहीं बैठता है, हम 9 पर लगाएंगे और 1 इंच हम लूजिंग कर देंगे। और कमर हमारी 30 इंच है, 30 का चौथा हिस्सा होता है 7.5, 7.5 पे नहीं हम 8 पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच लूजिंग कर देंगे। हिप हमारे 36 हैं, हम 38 इंच पे निशान लगाएंगे। यानी 9.5 और लूजिंग हो गई। और यहाँ से हम जो हमारा आर्म होल है, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ से हम लगभग 1 इंच बैक कर देंगे। बैक किया, इस निशान को इस यहाँ पे मिला दिया, मिला दिया इसको ऐसे। फिर इसकी गोलाई निकालें, जो ये गोलाई है ये बैक गले की आएगी, पीछे की, पीछे आर्म होल्ड की, और जो दूसरी गोलाई है ये फ्रंट में आएगी, ये फ्रंट में आएगी, ये बैक में आएगी। ये फ्रंट वाली हो गई, ये बैक वाली हो गई, निशानों को मिला देंगे। मिलाने के लिए यहाँ से हमें बाहर की तरफ गोलाई, बाहर की तरफ शेप देना होगा, यहाँ से अंदर की तरफ। हमारा कपड़े में मार्जिन कम है इसलिए इस पर
स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और जो हमारी ये है यहाँ पे, जो हमारे लंबाई है यहाँ पे, हमारे उसकी कमीज के जो पल्ले होते हैं उनकी चौड़ाई भी 9.5 इंच आएगी। और हम कट कर देते हैं। और जहाँ पे हमारे निशान है कुटके लगा दें, 2.5 इंच पे कुटका लगेगा, यहाँ से हमारा गला आएगा, यहाँ पे कमर का निशान है यहाँ पे कुटका लगेगा, यहाँ हिप का निशान है यहाँ पे कुटका लगेगा, और यहाँ पे हमारी ये पल्लों की चौड़ाई है यहाँ पे कुटका लगेगा। इस तरह से सिंपल शूट की कटिंग। ये मैंने सिखाने के लिए कपड़ा पुराना लिया था, और तो मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये पीछे वाला पल्ला हो गया, इस पे हम रखेंगे ऐसे सूट को, ये रख दिया, सूट हमने रख दिया ये पीछे वाले पल्ले पे, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, इस पे कपड़ा इतना नहीं है, इसको हम रख के ऐसे काटेंगे। इस तरह काट लेंगे, इस तरह काट लेंगे। ये चीज जो है इसको हम पीछे का तो नहीं काटेंगे, जो आगे का आर्म होल है काट देंगे, इस तरह। ये पीछे पल्ले के हो गया, पीछे आर्म होल, ये फ्रंट का, ये चीज तो ना था। आप बताएंगे बाजू की कटिंग, बाजू की लेंथ हमारी 4 इंच है। हमारी जो आर्म होल पे लगता है वो होके ये लंबाई होगी, चौड़ाई लंबाई 4 है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि फोल्ड करने में भी दबता है। यहाँ चौड़ाई से सीधे 2 इंच, यहाँ से 3 इंच, 2 इंच से 3 इंच में शेप देते हुए मिला देंगे। गोलाई हमारी 11 इंच, ये 11 का आधा होता है 5.5। और 2 इंच लूज, 1.5 इंच, हमारे बाजू की कटिंग होगी। Thank you for watching.